कुछ नया तो नहीं है ना ये? बहुत सालों से बंदी बना के रखा है हमने इन पशु पक्षियों को। हाँ, कभी कभार देखा है लोगों को बंधन में, जेल या तो जंग से पीड़ित देश में, देखा है न्यूज पर, लेकिन इनकी मायूसी सुनता कौन है? सहन करना इनकी आदत और फितरत दोनों बना दी गई है। यही तो हमारी, हम दुनिया वालों की भेंट है। न मांगी सही, हम तो देते गए, वो स्वीकारते गए। फिर आई एक सोच, हम बड़े वो छोटे की, और फासले बढ़ते गए। बड़ी चीजों की लगी पहल, बड़े दाव डालते गए चारा। भैया, बड़ी मछली पकड़ने के लिए बड़े दाव लगाने पड़ेंगे। इस खेल में कहां खुद खोकर खुद ही मछली बन गए, पता ही नहीं चला। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। दुनिया की सफर करने आया एक मुसाफिर, कब इस दुनिया पर कब्जा करके उसे बंदी बना लिया और दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया। पहल तो हुई इस दुनिया की बहस एक लकीर से, पत्थर पर मानवी और प्राणी की कुछ खींची हुई लकीरें जो बनती चली गई। कभी देश की, कभी हथेली की, कभी जमीन की, तो कभी जाति, पैसे, अमीरी, गरीबी, औहदे और धर्म की, बस बनती चली गई। ना तो देखा रुतबा, ना तो देखी जाति, ना तो देखा देश, और ना ही देखा त्वचा का रंग। किया तहस नहस बस एक ही जंतु ने, सबके साथ सबका समान, कोरोना वायरस ने आकर। क्यों कहते हैं सबके हम अलग है, क्यों एक नहीं बन सकते? अब भी कहोगे क्या अलग है हम सब? थोड़े दिन की तो बात है, चिड़िया, बुलबुल, कबूतर आसमान का रंग और हवा की रफ्तार के साथ बेफिक्र होकर घूम रहे। जो सालों से नहीं देखा वो हकीकत में बदलते हुए देखकर एक अलग सुकून भी मिलता है और एक ना समझ में आ रही चिंता भी। क्या साथ नहीं जी सकते हम सब? ये मैं अलग, तुम अलग, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए थे फासले? चलो आज इन फासलों को मिटाने की बारी आई। कुछ तुम चलो, कुछ हम, बस इस बार ये घमंड, रुतबे, पैसे, त्वचा, देश, धर्म, जाति के फासले हाथ मिलाकर नहीं, हाथ जोड़कर मिटाते हैं। कुछ तुम चलो, कुछ हम चले, शायद यही तरीका था। बस कहीं कड़ी छूट गई थी और छूटती ही चली जा रही थी। हाथ तो दिया था धरती ने कई सालों पहले सहारे के लिए, हमने तो पूरा जाई कब से मिल लिया उसे मिटाकर। बस यही बोलने आई है धरती हमें शायद आज, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, साथ मिलकर बनाइए अपना जहां। आपको क्या लगता है अगली बार कुछ बोलने आएंगे धरती पर? सोचो, इंसानों की पूरी आबादी आज एक कीटाणु जो दिखता भी नहीं है उसे इतनी परेशानी में आ गई है, तो धरती जब कुछ दिखाएगी तो क्या होगा? इसका अंदाजा भी हम शायद नहीं लगा पाएंगे। तो इंतजार के सावधानी कौन सी चुनेंगे? मर्जी तो आप ही की है जनाब। हां, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना एक बदलाव की। आप पूछेंगे करे तो क्या करे और करे तो कैसे करे? आपको तो बस लेना है एक कदम, बाकी जैसे सीढ़ी चढ़ेंगे एक के बाद एक नई सीढ़ी बनती चली जाएगी, बस बनती चली जाएगी। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम। इंडिया लेड द वर्ल्ड इन इरैडिकेटिंग टू साइलेंट किलर्स और एलिमिनेटिंग इन द कंट्री स्मॉलपॉक्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसेस ऑफ मैनकाइंड, अ वायरस दैट किल्ड मोर पीपल ऑन दिस प्लैनेट देन ऑल द वॉर्स पुट टुगेदर। इंडिया through targeted public health intervention ended that disease and gave a great gift to the world. India also eliminated polio, another silent killer, and did a tremendous job on surveillance and finding cases and vaccinating and doing all the things that need to be done. So India has tremendous capacities, measures we can take now while we wait for other solutions, and we must take them now. So it's exceptionally important that countries like India
lead the way and show the world what can be done.